हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ सकें। और ये सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट है, सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्लास। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? व्यवस्थापन, अनुकूलन, संघर्ष, आत्मसात्मीकरण। राइट आंसर बताइए। किस सामाजिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सीमांत मानव उभरता है? ऑप्शन 4 राइट आंसर है, आत्मसात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संघर्ष के प्रकारों पर किसने लिखा है? डेहरेंडॉर्फ, सीमेल, कोजर, कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में से किसने समाज संघर्ष के प्रकारों पर लिखा है? इसमें राइट आंसर होगा लेविश कोजर। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? पूरी तरह से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथककरण करने वाली, पूरी तरह से पृथककरण करने वाली, आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली। राइट आंसर बताइए। प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा आंशिक रूप से पृथककरण करने वाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होना चाहिए, लेकिन यूपी पीजीटी में इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 को माना गया था, पूरी तरह से पृथककरण करने वाली। लेकिन प्रतिस्पर्धा ये पूरी तरह से पृथककरण करने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 ही होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया है? अर्नाल्ड ग्रीन, किंग्सले डेविस, ईएस बोगार्डस, मैकाइवेन। राइट आंसर बताइए। सहयोग को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग में वर्गीकृत किया। अर्नाल्ड ग्रीन ने सहयोग को तीन, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में वर्गीकृत किया था अर्नाल्ड ग्रीन ने, और मैकाइवर ने प्रत्यक्ष सहयोग और अप्रत्यक्ष सहयोग में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सहयोगी प्रक्रिया है? तो समाज में दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, एक सहयोगी प्रक्रिया और दूसरी असहयोगी प्रक्रिया। सहयोगी प्रक्रिया यह समाज में व्यवस्थापन लाती है, समाज की व्यवस्था को बनाए रखती है, और असहयोगी प्रक्रिया ये समाज की व्यवस्था को भंग करती है। तो सहयोगी प्रक्रिया में सहयोग होगा, अनुकूलन होगा और सात्मीकरण होगा। इसका राइट आंसर है 1, 4, 5। 1, 4, 5 ऑप्शन 1 इसमें राइट आंसर है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा ये असहयोगी प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? मैकावर एवं पेज, जॉनसन, ग्रीन, बेबर। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा मैकावर एवं पेज ने दी है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? प्रतिकूलता, संघर्ष, आत्मसातीकरण, प्रतिस्पर्धा। आत्मसातीकरण ये यहाँ क्वेश्चन में होना चाहिए था, कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो आत्मसातीकरण ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है,
प्रतिकूलता असहयोगी है, संघर्ष असहयोगी है और प्रतिस्पर्धा असहयोगी है। ऑप्शन इसमें थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है? भूमि वितरण प्रणाली, नगर प्रवास, समय के बदलने के साथ मूल्य में परिवर्तन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है? तो समय के साथ मूल्यों में जो परिवर्तन होता है, ये अंतर पीढ़ी संघर्ष का मुख्य कारण है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह सदस्यों में कुछ मात्रा में होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों के मध्य कुछ मात्रा में होना चाहिए। प्रतियोगिता, साहचर्य, प्रतिद्वंद, सहयोग। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन में पूछा है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह के सदस्यों में, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर वह संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं वो कैसा सहयोग कहलाएगा? अप्रत्यक्ष, तृतीय, प्रत्यक्ष, सामान्य। राइट आंसर बताइए। कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में सहयोग देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, तृतीय, सहयोग कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? मैकाइवर एवं पेज, गिलिन एवं गिलिन, पार्क एवं बर्गेस, रॉस ने। 1950 में किसने 38 सोशल प्रोसेस, तो इसमें राइट आंसर होगा ई ए रॉस ने। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है संघर्ष, अनौपचारिक प्रतिस्पर्धा, अप्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा, लक्ष्य उन्मेषित प्रतिस्पर्धा। राइट आंसर बताइए। वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? संवेदनशीलता, एकीकरण, सांस्कृतिक विघटन, संघर्ष। राइट आंसर बताइए। कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, संवेदनशीलता, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नृजातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं, विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं, ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। समायोजन का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नृजातीय समूह एक दूसरे की स्थिति से अभियोजन करते हैं और विभिन्नताओं को दूर किए बिना साथ साथ रहते हैं। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वो एक हो जाएं, इसे कहा जाता है एकीकरण, आत्मसातकरण, पर संस्कृत ग्रहण, सहयोग। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? वह प्रक्रिया जिसमें दो समूह अपनी संस्कृतियों को इस प्रकार मिश्रित करते हैं ताकि वो एक हो जाएं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है, क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, अंतःक्रिया। सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के आधार पर निम्नलिखित का एक प्रतिमान होता है,
ऑप्शन 4 राइट आंसर है, अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है? बोगार्डस, डेविस, गिलिन एवं गिलिन शमनर। व्यवस्थापन को विरोधी सहयोग कहा है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है, ग्राहम शमनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित हों, सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं, इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं, ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर होगा। कौन एक सहयोग का तत्व नहीं है? तो इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है एक चेतन प्रक्रिया के रूप में, एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में, एक अचेतन प्रक्रिया के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। संघर्ष को परिभाषित किया जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, एक चेतन प्रक्रिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? गलत विशेषता, निरंतर प्रक्रिया, अवैयक्तिक प्रक्रिया, व्यवस्थापन की प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया। प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? तो प्रतिस्पर्धा ये निरंतर प्रक्रिया है, अवैयक्तिक प्रक्रिया है, सार्वभौमिक है, व्यवस्थापन की प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उन्हें हम सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी, आत्मसात, व्यवस्थापन, कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? जिनके कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संघर्ष की भावना यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं, जाति संघर्ष, अव्यक्त संघर्ष, वैयक्तिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष। राइट आंसर बताइए। जब संघर्ष की भावना यथेष्ट अभिव्यक्त नहीं पाती है, ऑप्शन 2 राइट आंसर है, अव्यक्त संघर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक प्रतियोगिता है? इराक ईरान युद्ध एक संदर्भ प्रतियोगिता, मेरठ में हुए सांप्रदायिक संघर्ष, मोहन बागान एवं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। राइट आंसर बताइए, कौन एक प्रतियोगिता है? ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है, मोहन बागान एवं मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के बीच फुटबॉल मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा संघर्ष में क्या अंतर है? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है? प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है, संघर्ष अधिक मात्रा में। प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायता करती है, संघर्ष इसमें बाधा पहुँचाता है। प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाता है, संघर्ष दोनों को हानि पहुंचाता है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर है? तो ये सभी सही है, ऑप्शन 4 राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात्मीकरण का अर्थ है दो संस्कृतियों का एक दूसरे के निकट आना, बलपूर्वक संस्कृत परिवर्तन, एक संस्कृत का दूसरी संस्कृत में पूर्णता समा जाना, विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान। सात्मीकरण का अर्थ है, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 3, एक संस्कृत का दूसरी संस्कृत में पूर्णतया समा जाना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यवस्था में अनुकूलन या सामंजस्य बनाए रखते हैं वे कहलाते हैं प्रकट प्रकार, प्रकार, अंतर्निहित प्रकार, अकार्य। राइट आंसर बताइए। जो व्यवस्था में अनुकूलन और सामंजस्य बनाए रखते हैं, मर्टन ने उसे प्रकार ही कहा है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई है संगठन, क्रिया, संरचना, व्यवस्था। व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के विश्लेषण की मूल इकाई, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है, सामाजिक मूल्यों का हनन, निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, अस्थिरता। कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है, संघर्ष में निरंतरता नहीं होती है, संघर्ष एक समय पर बंद होता है, निरंतर नहीं होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघर्ष की विशेषता नहीं है, निरंतर प्रक्रिया, वैयक्तिक प्रक्रिया, सार्वभौमिक प्रक्रिया, चेतन प्रक्रिया। कौन संघर्ष की एक विशेषता नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है निरंतर प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, आधुनिकीकरण, सात्मीकरण। कौन एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रक्रिया है, संघर्ष, मुकाबला, आक्रमण, हिंसा। कौन सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्पर्धा हमेशा डॉट डॉट है, जागरूक एवं व्यक्तिगत संघर्ष, अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष, समूह संघर्ष, सामान्य संघर्ष। राइट आंसर बताइए। प्रतिस्पर्धा हमेशा है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है अचेतन एवं अवैयक्तिक संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी स्थिति विद्यमान रहती है, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, संघर्ष, सहयोग। व्यवस्थापन प्रक्रिया के घटित होने के पूर्व कौन सी स्थिति विद्यमान रहती है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है संघर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष दोनों पर आधारित है, एक धार्मिक संगठन, एक औद्योगिक संगठन, एक नातेदारी संगठन, एक सजातीय संगठन। राइट आंसर बताइए। कौन संगठन प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है एक औद्योगिक संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है, सहयोग, व्यवस्थापन, समायोजन, प्रतिस्पर्धा। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है प्रतिस्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, समाज में केवल सहयोग है, समाज में न सहयोग है न संघर्ष, समाज में केवल संघर्ष है, समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। कौन सा कथन सही है, ऑप्शन फोर राइट आंसर है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों की सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है, एकीकरण, प्रसंस्कृत ग्रहण, आत्मसातकरण, पृथककरण। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना किसका अच्छा उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है एकीकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया है, ऐतिहासिक प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है। राइट आंसर बताइए। सात्मीकरण आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। युद्ध, कला, मुकदमेबाजी, सामूहिक सौदेबाजी। किसी एक को संघर्ष के एक प्रकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, सामूहिक सौदेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होने से होती है। शिमेल, डेहरनडॉफ, बेबर, शमनर। बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होने से होती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर है, जॉर्ज शिमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है। प्रवासियों का समाज, एक उत्तर औद्योगिक समाज, एक ग्रामीण समाज, एक जनजातीय समाज। कौन सा समाज प्रतिस्पर्धा द्वारा प्रभावित है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, एक उत्तर औद्योगिक समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुसरण नहीं करती तब वह रूपांतरित हो जाती है। समझौता, संघर्ष, आत्मसातकरण, सहयोग। राइट आंसर बताइए। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुसरण नहीं करती तब वह रूपांतरित हो जाती है। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, संघर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सही नहीं है। सभी सदस्य समान रूप से सहयोग करें। यह अनिवार्य नहीं है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। सभी सदस्यों के समान लक्ष्य हों। राइट आंसर बताइए। आप प्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन 3 इसमें राइट आंसर है, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जीवन पद्धति का दूसरे में उसी के साथ परिवर्तन कहलाता है। प्रसार, सात्मीकरण, पर संस्कृत ग्रहण, परिवर्तन। एक जीवन पद्धति का दूसरे में उसी के साथ परिवर्तन। ऑप्शन 2 राइट आंसर है, सात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझौता तत्वतः इसकी प्रक्रिया है। सहकार की गढ़ बनाना, प्रतियोगिता, समंजन। समझौता तत्वतः इसकी प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, समंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्त्रीकरण का। भूस्वामित्व, वर्ग, लिंग, शक्ति। सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है, लिंग। लिंग सामाजिक विभेदीकरण का उदाहरण है और भूस्वामित्व, वर्ग, शक्ति ये सामाजिक स्तरीकरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययन में मैक्स वेबर का उपागम निम्नलिखित में से कौन है। चतुर आयामी, एकल आयामी, द्वि आयामी, त्रि आयामी। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन 4 राइट आंसर है, त्रिआयामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसका अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। डेविस, सोरोकिन, ट्यूमिन, मैकाइवर। किसका अवलोकन सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में संस्थापित की जाती हैं। ऑप्शन 3 राइट आंसर है, ट्यूमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है। जिसबर्ट, रेमंड मूर, लोमले, न्यूमेयर।
सामाजिक स्तरीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है रेमंड मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण हेतु तो प्रकार्यात्मक रूप से उपादेय नहीं है? नहीं बताना है। यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सहायक है। यह समाज में प्रत्येक जिम्मेदारी निर्धारित करने में सहायक है। यह अवसर उपलब्ध कराने में मदद करता है। यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करने में मदद करता है। तो सामाजिक स्तरीकरण हेतु प्रकार्यात्मक रूप से कौन उपादेय नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। यह समाज में अयोग्य व्यक्तियों की पहचान करने में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, विभेदीकरण, लाभप्रद। मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद। विभेदीकरण, मूल्यांकन, लाभप्रद, श्रेणीबद्धता। विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन फोर राइट आंसर है विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन, लाभप्रद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सामाजिक स्थिति का निर्धारण शिक्षा के आधार पर होता है तो इसे इस प्रकार से जाना जाता है। वर्ण स्तरीकरण, खुला स्तरीकरण, वर्ग स्तरीकरण, बंद स्तरीकरण। राइट आंसर बताइए। जब सामाजिक स्थिति का निर्माण शिक्षा के आधार पर होता है, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है खुला स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संस्तरण का किसका सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेविस एवं मोर शोरोकिन। सामाजिक संस्तरण का किसका सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर किंग्सले, डेविस और बिल्बर्ट मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? प्रतिष्ठा, पुरस्कार, शक्ति, उपर्युक्त सभी। किस तत्व के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? तो ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन फोर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है। सामान्य गुणों के आधार पर सदस्यों के वर्ग का निर्धारण करना, क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारण करना, एक सामाजिक वर्ग का दूसरे वर्ग के द्वारा शोषण, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अंतर क्रिया। कौन सा कथन सामाजिक स्तरीकरण को परिभाषित करता है? ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है क्षमता, धन एवं विशेषाधिकार के आधार पर वर्गों का स्थान निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है सामाजिक समस्याओं का, सामाजिक असमानताओं का, सामाजिक विघटन का, सामाजिक अन्याय का। राइट आंसर बताइए। सामाजिक स्तरीकरण अध्ययन है सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक असमानताओं का अध्ययन है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है, यह किस विद्वान से संबंधित है? रॉबर्ट के मर्टन, गेरहार्ड लेंसकी, किंग्सले डेविस, लुइस कोजर। सामाजिक स्तरीकरण एक सृजनात्मक जरूरत है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरोपित प्रतिष्ठा से तात्पर्य है कि समाज में वह स्थिति जिसके मूल में होती है, उच्च जात में जन, उच्च कोट का ज्ञान, वीरता मूलक कार, ऊंची आमदनी। आरोपित प्रतिष्ठा, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है ऊंची जात में जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां
उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ट्यूमिन, जिश्बट, सदर एवं उड़बट, सोरोकिन। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? किसने कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसे अस्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है पी जिश्बट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में क्या कहेंगे? विभेदीकरण, संस्तरण, जाति, वर्ग। राइट आंसर बताइए। समाज में उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है? सामाजिक मान्यता, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक दूरी को बढ़ाना, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना। राइट आंसर बताइए। कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार है? ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है सामाजिक एकीकरण। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी बताइएगा। तो क्लास को स्टॉप करते हैं। थैंक यू।